बबुआ मेरे साथ कर कर बातें करना बहुत घाटा होता है, तो आ मैं तुझे माई की लाल से मिलाता हूं। देखा किसको कहता है माई का लाल? सुनो जा, यहां तेरे चाचा डाकू दचन है। इस समय मैं क्या करूं? ये पापी अत्याचारी सभी को बर्न फांस में फंसा फंसा कर रखता है। ले जाओ, हेलो हेलो हो धीरे चल मलखा गंभीरे चल मलखा मलखा रमान जो पद पारत जह मल तल तरा जाति पत सिंह को रे कोई है। हेलो, आंख में डिबिया पड़ी है, मैं अंधा हूं। हाँ तो वह तो कहा लियोगा, तुम कहां अपने ड्यूटी छोड़ करके गया था रे? गेटे पर थे, गेटे पर तोरा दिखाई नहीं छे, डर है, डर हो है बुझाइया। तुम मेरा डर हो रहा है? हाँ तुमसे डर हो रहा है। बर्फ पिटल ये एक आदमी के बर्फ। तुम यहाँ का महाराज हो? नहीं, हमारे छोटका महाराज। हम से महाराज, हमारे स्टाफ बैठल है। तुम महाराज हो? हाँ। जरा ये स्टाफ को खबर कर दो। हाँ। एक बंदारस को रहने वाला तालम सैयद को बालक अली अकबर आपसे मिलना चाहता है। तो मुसलमान छो? हाँ। तो हर घर बनारस हो? हाँ। यही रही है, जाए छे मालिक के बजाओ। मैं भाग जाऊंगा। अच्छा छोटे मियाँ तैयार रहना, बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ छोटे मियाँ। बहादुर तू चैन से सोने नहीं देगा, तू साइड हो जाओ। देखते हो मालिक, हमरा नहीं डर हो या हमरा। रे क्यों डरते हो? दू दू आदमी है, यो दो है तो क्या है, अगर छह भी होता तो डरने की बात नहीं है। नहीं है ना? हाँ पकड़ा, हम सोचे घीच दे। शाबाश बहादुर, कौन है बात करा तो? सुनो बेर सुरजा तुम ही हो, तुम्हारा ही नाम सुरजा है क्या? मैं शक्ल से दिखाई नहीं देता। तुमरे जैसा दुनिया में बहुत वीर पैदा लिया है रे। तुम ए छोटे मिया बंदूक उठाओ, तुम वीर हो, सुरजा तुम्हारा ही नाम है। मेरा ही नाम है? शाबाश। इस वक्त उदय चंद कहाँ है? मर गया।
मर गया मैं खादा दे। सीमा पार किया तो सोच लो जान से जाओगे। पहले इस पेट वाले को समझा लो, मेरे राज में आकर ऐसा करेगा तो यह सुरजा बदला नहीं गया है। अच्छा कहो ओ मलखा आया था कहां गया? क्यों मरेगा रे? समय बताएगा, समय बताएगा। मलखा आया, रुक जाओ। ए हाँ, मलखा आया वो भी मर गया। अच्छा। अभी अभी नादान बालक, एक छोटा सा ननहाशा बालक आया था जो अपने आप को इंदल कह रहा था, वह भी मर गया। शाबाश, तुमने मारा? मैंने मारा। शाबाश जवान, तुमको क्या बिगाड़ा था उदय चंद्र? क्या बिगाड़ा था मलखा? क्या बिगाड़ा था इंदल कुमार? अपने आप को करके बात किया, अपने आप को वीर साबित करने को चाहा, इसलिए मैंने उसे मारा। अच्छा, किसी को मार करके वीर का पदवी लेने के लिए तैयार हो गए हो? मैं मामा जी को पहले समझा दिया था कि मामा जी रार बसाओगे या सुविधा से पार नहीं पाओगे। शाबाश जवान, सुन जाओ, अभी कम उम्र हुआ तुम्हें, समझ गया, तुम्हारे जैसा रावण का बालक मेघनाथ था, खरदूषण था, सौ बेटा रावण का था, धोखे में मर गया। मर गया तुम, मैं तुमको अभी भी कह रहा हूं, छोटे दिया हरम जादे। अच्छा अच्छा, तो अभी भी मौका है, तुम रावण को खलदान में मत जाओ, तुम शहर बादवा किला राज भोगने चाहते हो तो जहां पर बंधुआ बांध करके तुम उन लोगों को रखे हो वापस कर दो। हे राजन, मैं शान से राज करता हूं, शान से, किसी को भय से नहीं, है ना? अच्छा, ना मैं किसी को डर से राज करता हूं। शान दुनिया वाले का दिखलाया, बहुत अच्छा किया। मैं समझा रहा हूं, मेरे जात है मुसलमान का, दया धर्म मेरे दिल में नहीं है। अच्छा, फिर भी तुम्हारा उम्र देखकर, तुम्हारा शकल देखकर के मुझे सीने में दर्द हो रहा है। अरे पानक के पुतलिया तो लड़का लगते हो, अरे पनमा जो चैसाया बता जो लगता बबुआ तो जाना बता लो बबुआ या लिया कबार। अरे माँ रो रो करके अपनी मोटी महल में बिलखेगी, मेरा गोद सुन कर दिया महाराज, आपने गोद सुन कर दिया। मैं इससे नहीं डरता, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा,
लेकिन किसी को बात नहीं मानूंगा। मैंने समझ गया लात का देवता बात। अरे लिखने वाला लिख दिया, बेचाने वाला कोई नहीं। अरे लिखने वाला लिख दिया, बेचाने वाला कोई नहीं। काल बलि को हाथ से बचाने वाला कोई नहीं। जाने वाला कोई नहीं, काल बलि को हाथ से कोई नहीं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ में जाए। कोई ना बचा जा रे मुतई कपड़ को। जो बात हो जाओ तैयारी तुम या पत्ता मर भूम। छोटे भैया ठहर जाओ, ये क्या है रे, ये क्या है, ये क्या जिस से तुमने बांध दिए हो? यह ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्म फांस है। अच्छा समझ गए, इसको काट देने से क्या होगा? काटने की बात दूर जाने दो, अगर धोखे से इसमें से एक सूत अगर टूट गया, अच्छा कट गया, हाँ तो समझो सात गाय का हत्या लिखता है। क्या कहा? एक सूत कट जाने से सात गौ का हत्या लिखता है। हाँ जी। सुन गा, चल बैठो का तो हमको नाश्ते में चलता है। बाप बाप।
छोटे मियां बांध खोलो, सबको बांध खोल दो, सबको बांध खोल दो। चंद्रावली है, इन्हीं का बेटा ये सुरजा है। अच्छा, आज 12 बरस से डोली घेर कर रखा था, इन्हीं को चौठारी भार लेकर मैं आया था। ये छोकरा कमीना अपने आप को वीर कहला रहा था, अच्छा दिखा रहा था। हाँ। भैया जी उदय चंद्र, तुम पहले मुझे खबर क्यों नहीं किया? आने वक्त खबर क्यों नहीं किया जो धोखा से तुमको एक कब्र कैदखाना में रख दिया था? जो होनी था वह हो गया,
क्या थोड़ा हमको बहन चंद्रावली से बात करने दीजिए भैया। फिर जिंदा नहीं रहना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब क्या चाहे कहीं आगे चल करके धोखा नहीं दे। सोच लेना, सोच लेना उदयचंद, सोच लेना। बहन चंद्रावली भैया जी, जब तुम उदल को सामने आंचल फैला रही हो तो मेरा कलेजा फट रहा है। उदल का जांग से ब्रह्मा बेटा नहीं दिया, ए फटता कलेजा। उदल सिंह के यार, ए भिक्षा तू मांगती है पहली अपने बेटा के। भैया जी क्या नहीं, रसू राजा नची धारे उदल सिंह के रे मारत दर्द न जाता बताऊगा। रे जब कहा जाओगे तू बाधा बासया, ये कहा बच कर जाओगे सुरदा उदल हाथों। चारों तरफ से तुम घेर लिया गया हो, बोल भाग रो, तुम भाग जाओ, मैं नहीं मानूंगा, तुम भाग जाओ। चंद्रावली, मैं इसको जान बकस दूंगा इसी शर्त में, हमरा नहीं बजाओ वहां। कह दो तुम्हारी डोली मेरा साथ जाने देने के लिए तैयार है या नहीं। समझा दो, अब हम मार नहीं खाब ओकरा सबसे, भाग जाओ, मैं मर जाऊंगा। हां मर जाओ, हम कैला मारू खियो रे। दलबदरू हो गए तू, आ त आही आही तरफ छी, हम आही तरफ बेटा सुरजा। मां इस सब से अपनी हार मान जा, मुझे अपनी टोली नढ़ियाल जाने दे बेटा। जाओ मामा से माफी मांग लो। खैर माँ, जैसा मैंने सोचा आज किला बांधवा को अंदर मैंने पाया। जब से मुझे अक्कल हुआ मैंने अपने दिल में प्रतिज्ञा ठान लिया था। अच्छा, डाकू माँ बाप उदयचंद का नाम बहुत सुना था। बांस के मार खा कि वीर है। मैंने अपने दिल में प्रतिज्ञा कर लिया था कि जब तक मामा जी को परीक्षा नहीं करूंगा, मैं बिरताई का जाचूंगा नहीं, तब तक मैं तेरी डोली किला बांधवा से कलंजर नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैंने जैसा सोचा वैसा मैंने पाया। मैं अब अपने मामा जी से इस किए हुए पर मैं माफी मांगूंगा। हाँ बेटा, जाकर माफी मांग ले। ठीक है माँ, बात है। अब मैं तुम्हारी ढोली किला बांधवा से जाने दूंगा, साथ साथ तुम्हारी ढोली को साथ मैं भी चलूंगा। मामा जी सुनो, सुनो जा मेरा बाप, रे गला से लगा कर मिलो बताऊगा।